दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज श्रद्धांजलि एवं शांति संदेश मार्च दिल्ली पीस फोरम द्वारा शुरू किया गया। इस मार्च का संदेश दिल्ली में अमन व शांति बरकरार रखना था। इस मार्च में भाजपा नेता कपिल मिश्रा, गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी और सुरक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल भी शामिल रहे। दूसरी ओर इस मार्च में दंगों से पीड़ित लोगों को भी बुलाया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता जुहैब ने इन लोगों से बात की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम इस समय मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली पीस फोरम द्वारा एक मार्च निकाली जा रही है जंतर मंतर से, श्रद्धांजलि एवं शांति संदेश मार्च। यहां दिल्ली के सभी लोग मौजूद हैं और साफ तौर पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। शत शत नमन रतन लाल को और अंकित शर्मा को, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दलित विनोद को। साफ तौर पर लोगों का कहना है, आप भीड़ देख सकते हैं, तमाम लोगों के पास तिरंगे झंडे हैं और काफ़ी सारे पोस्टर भी हैं। अगर मैं पोस्टरों की बात करूं तो एक पोस्टर यहां पर जिस तरह से लिखा हुआ है, दलित विनोद को क्यों मारा, दूसरी तरफ रतन लाल को क्यों मारा, इस तरह के तमाम पोस्टर जो हैं लोगों ने पकड़ रखे हैं। तीसरे पोस्टर की बात करूं तो दिल्ली नहीं बनेगी जिहादी लैब। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में जिहाद की तरह से जो इस दंगों को रूप दिया गया, उसे बंद किया जाए। दिल्ली वासियों को जो है वो शांति चाहिए, अमन और सुकून चाहिए। दिल्ली अगेंस्ट जिहाद के भी बोर्ड लगे हैं। वहीं अगर मैं एक और बोर्ड की बात करूं तो एक बोर्ड जो है वो ताहिर हुसैन के नाम का लगा हुआ है, जिस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शांति का हथियारा केजरीवाल का दुलारा, और ताहिर हुसैन की फ़ोटो बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो है एक बोर्ड आप उसके पीछे देखेंगे कि दिल्ली दिल्ली कर बोले, हम दिल्ली के युवा जिहाद के विरोध में हैं, मिलकर बोले हम सब भारतीय सीएए के विरोध की सोच के खून के प्यासी। इस तरह के जो तमाम बोर्ड हैं यहाँ पर लोग ले लेकर आए हुए हैं, और लोग किस विचार से आए हैं, क्या विचारधारा है उनकी, कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मैं किशन लाल मंडूला हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूँ और दरियागंज से आया हूँ। सर, ये जो उद्देश्य क्या है मेन इस पीस मार्च, जो दिल्ली के अंदर जो है ना, जो एक तो इतना बड़ा मैसेज था दिल्ली को कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड का जो टॉप नेता आया हुआ है, लेकिन उसकी उनकी आड़ में दिल्ली के कुछ मुट्ठी भर बाहरी लोगों ने इस तरह उसको हाईजैक करके ना इस तरह सत्यानाश कराया। और जो लोग हमारे मरे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं, और प्रधानमंत्री का बड़ा शुक्रगुजार है, अजीत डोगाल जी का बड़ा शुक्रगुजार है, और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार है, और अरविंद केजरीवाल जी का भी बड़ा शुक्रगुजार है कि आपस में तालमेल बन के जो दिल्ली जो वापसी आ रही है ना सर, उसी को हमने आगे बढ़ाना है। हमें अपने बच्चों को ये मैसेज नहीं देना कि लेकिन दंगों में तो मुसलमानों का भी नुकसान हुआ है, जानी माली दोनों। सर, ये जो लोग हैं ना बाहरी लोग हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम कभी, हम इतने पिछले 50-55 साल से दरियागंज में रह रहे हैं, कभी इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए देखे जिस तरह के बाहरी लोगों ने। ये इनकी इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये पकड़ में आएंगे सर। अभी अभी बहुत कुछ आना बाकी है, और बहुत कुछ अभी आना बाकी है। ये आप मीडिया जो दिखा रहे हो ना सर, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम सेफ है तो पूरी दुनिया में सेफ नहीं है। हमने यहाँ सीरिया नहीं बनने देना, हमने यहाँ पे एक तरफ आप एक और पोस्टर देख सकते हैं कि स्कूल क्यों जलाए, स्कूल क्यों जलाए पोस्टर लोग लेकर बैठे हुए। जिस तरह हिंसा में स्कूल की टेबल, पूरे स्कूल तहस नहस कर दिए, बिल्डिंग जला दी गई, किताबों तक को नहीं छोड़ा बच्चों की, आखिर इनके पीछे क्या वजह रही? यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का, आप लोगों का जमा होने का? हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शांति और अमन बनाए रखें। जिस तरह का वायलेंस पूरे दिल्ली में फैलाया जा रहा है, जिन जिन लोगों ने फैलाने की कोशिश की है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि इन चीज़ों से किसी को फ़ायदा नहीं होता, ना किसी जाति ना धर्म को, सिर्फ नुकसान और नुकसान। कितने लोगों के घर उजड़े हैं ये सबने देखा है, कितने लोगों ने अपनों को खोया है, उस चीज़ का दर्द एहसास हम सभी को है, इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है और रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से हमारे कि शांति बनाए रखें, और बहुत सोच समझ के, किसी के कहने पे ना आके कोई निर्णय या उत्तेजित हुआ करे, एक सोच समझ के क्या कहते हैं आप आगे बढ़ा करिए। साफ तौर पे
पीस और शांति का जो है वो यहाँ पर संदेश है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कपिल मिश्रा भी जो हैं वो भी इस जो मार्च है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। कपिल मिश्रा साफ तौर पर लोगों के बीच बैठे हुए हैं और फिलहाल जो है मीडिया से बात करने के लिए कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर मना कर दिया है, लेकिन लोगों के बीच आकर इस एक मार्च को अटेंड करने आए हैं, लोगों के साथ हैं। लोगों का कहना है कपिल मिश्रा का जो बयान है उसके लिए साफ तौर पर जो है उस बयान को इस्तेमाल किया गया। मैम, आपको क्या लगता है कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया था, क्या कहीं ना कहीं उस बयान का भी जो है वो फ़ायदा उठाया गया है? ऐसा है, कपिल मिश्रा जी के जो वाणी है उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके बारे में इतनी अफवाहें और बातों को फैलाया जाए। हम लोगों का कहना ये है कि जो भी है वार्तालाप जो भी है आराम से बैठ के उसको सुलझाया जा सकता है और उस चीज़ को बड़े आराम से सुलझा के सिमटाया जा सकता है। कपिल मिश्रा जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि उनके कहने का तथ्य जो है वो गलत लिया गया है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि आम पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, यदि आप शाहीन बाग बैठे हैं तो हम यहाँ बैठ के आपको उसको प्रोटेक्शन करेंगे। इसके अलावा उनका कोई तथ्य नहीं था, कोई गलत आर्गूमेंट नहीं थे। अब ये मार्च आप लोगों की कहाँ तक जाने वाली है? कहां तक जाने वाली है? जब तक शांति नहीं होगी हम इसी चीज में लगेंगे। हम शांति प्रिय हैं और शांति हमारे लिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे पहले इंसानियत है, एकता है। भारत एक था एक है, एक रहेगा। तो साफ तौर पर आपने देखा कि लोगों का भी कहना है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कपिल मिश्रा का जो बयान आया है उसे साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि उस बयान का, कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम दिल्लीवासी यहाँ पे लाइन से मौजूद हैं और सिर्फ इन तमाम लोगों का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ शांति का प्रतीक देने हम यहाँ पर लोगों के बीच आए हैं। लेकिन शांति के लिए निकाले इस मार्च में एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई। दरअसल हमारे संवाददाता जुहैब ने शांति मार्च में आए लोगों से बात भी की है, जिनमें कुछ लोगों ने शांति बहाली की बात कही लेकिन एक महिला ने भड़काऊ बात कह दी। महिला ने कहा कि सीए विरोधियों को अगर शांति से देश में रहना है तो ठीक है, वरना सभी को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जहां तक हमारा लेके जाएंगे सब लोग वहां तक जाना है हमें, ये काफी दूर चलेगा हमारा मार्च पर शांति कैनॉट प्लेस इनर सर्किल में जाएगा। जी, और इसके लिए हम आपको ये बताएंगे कि ये हम चाहते हैं कि अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन को दोनों का गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि दोनों अंडरग्राउंड है। अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन का फेवर ले रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, वो उस ये सारा पहले से था, ये उसके जबरदस्ती घुस गए उसे। हाँ, और इसमें केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। केजरीवाल को तो केजरीवाल के इसकी पार्टी की तो सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए गवर्नमेंट की। अच्छा, तो क्या लगता है कोई अधिकार नहीं है इसे? कोई बड़ा चेहरा नेताओं में कोई आप लोगों के बीच आया है? कौन कौन आए हैं इस मार्च में शामिल हुए? ये पीछे से पता है, मैं पीछे आगे गई नहीं हूँ, आगे मुझे मालूम नहीं है। कपिल बाकी जिन जिन के घर टूटे हैं, जो जले हैं बेचारे, जिनको मारा है इन लोगों ने बेदर्दी से, वो काफी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन उन लोगों को तो जो है मुआवजा भी दिया गया है, कहने के लिए दिया गया है। मैं केजरीवाल के घर के किसी सदस्य को मार दूं, 5 लाख रुपए दे दूं, केजरीवाल खुश हो जाएगा? ये बताइए, 5 लाख से क्या उसका तो घर का आदमी गया। आपको क्या लगता है मेन वजह क्या लगती है इन दंगों के होने, इन दंगों के होने की मेन वजह क्या लगती है? मेन वजह शाहीन बाग का प्रयोग लगता है। शाहीन बाग में जो प्रयोग चला था ना, ताहिर हुसैन के घर में उसकी प्री प्लानिंग चल रही थी, लोहे की पूरी गुलेल बना रखी है। जो आप चौक से खड़े हो जाओ, यहाँ से पीछे तक जाएगी वाली गुलेल, इतना बड़ा गुलेल बनाया है लोहे का, उसमें पत्थर लगा के, इतने भारी भारी पत्थर लगा के, उसके पेट्रोल बम लगा के उसमें भेज के गए हैं वहाँ से। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो आप दिल्ली की जनता? ये जनता जाना है, दिल्ली में हिंदुस्तानों हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। अगर शांति से रहोगे तो तुम्हें यहाँ रहने का हक है, नहीं तो तुम अपने देश पाकिस्तान वापस जाओ। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति जो है वो गुस्सा उभर कर आया है। और साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से इन महिला ने मुझसे कहा कि अगर मुसलमानों को यहाँ रहना है तो शांति से रहो, वरना अपने देश पाकिस्तान चले जाओ। और ये मार्च जो है कैनॉट प्लेस के पूरे इनर सर्किल में जाएगी और इनर सर्किल से घूमती हुई वापस जंतर मंतर पर आके खत्म होगी। नई दिल्ली से जुहैब के साथ जतिन की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।